की सदस्यता चाहिए। फिर वैसे दल के लोगों को आपको वोट करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भी आप विजय भी लाइए, सब लोगों ने आश्वासन दिए कि हम लोग काफ़ी वोट सुनते हैं। यहाँ तो एक सप्ताह पहले से हमारी पार्टी के तमाम लोग घर घर घूम रहे हैं। ऐसे भी सब विदित है बिहार में पशुपालन घोटाला सब लोग जानते हैं, और आज भी पशुपालन घोटाला चल रहा है। क्यों है जी, अनिल सानी का सीट खाली क्यों हुआ? भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सदस्यता चली गई। फिर वैसे दल के लोगों को आपको वोट करने की क्या आवश्यकता? ऐसे भी सब विदित है बिहार में पशुपालन घोटाला सब लोग जानते हैं, और आज भी पशुपालन घोटाला चल रहा है। कुछ लोग जेल पर आए, लोग मर गए। तो मेरा यहाँ पर आया हूँ, यहाँ मैं अपना सोचा था कि आया हूँ। मेरा आग्रह है सब लोगों से, मैंने सब लोगों से कहा है कि आप लोग एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता जी, भले आदमी हैं, पहले भी मेरे रह चुके हैं, पिछली बार 712 वोट से पीछे रह गए थे, 712 वोट से हारे हैं। इस बार उनको निश्चित रूप से आप विजय भी लाइए, सब लोगों ने आश्वासन दिए कि हम लोग काफ़ी वोट सुनते हैं इस बार। सर, दो जगह इसके पहले भी उपचुनाव हुए, मोकामा में, गोपालगंज में, वहाँ आप नहीं गए, वहाँ एक सीट एनडीए को, एक सीट महागठबंधन को, लेकिन यहाँ आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं और आपकी पार्टी लगातार यहाँ कैंप कर रही है। वहाँ भी हमारे लोग गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगे थे, सब लोग गए थे कैंप। मोकामा में तो जिस जो उम्मीदवार थी पहले हमारे दल में ही, जी मोहन सिंह जी की पत्नी थी, हमारे दल में ही पहले थे लोग, वहाँ भी काफ़ी संख्या में हमारे लोग गए थे, और गोपालगंज भी गए थे। और यहाँ तो एक सप्ताह पहले से हमारी पार्टी के तमाम लोग घर घर घूम रहे हैं। कब तक मेरा प्रोग्राम है? फिर 30-31 को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उनका प्रोग्राम है, फिर मीना देवी सिंह जी है, वो है ना, सब लोग बारी बारी से 3 तक चुनाव प्रचार है, और काफ़ी संख्या में हम जाएंगे। ऐसे भी देखिए मुजफ्फरपुर का हम प्रभारी मंत्री बने रहते हैं जी, बिहार सरकार के हम मंत्री थे, प्रभारी मंत्री, हम लोग पार्टी का संगठन और व्यक्तिगत लगाव गाँव के लोगों से काफ़ी शुरू से अंदर है, और इस संजोग से जिला में हमारी पार्टी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव है, और हमारा जो उम्मीदवार है सभी मामले में खुश है। लेकिन सर, कहा जा रहा था अभी तक कि महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है, लेकिन मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से एंट्री मारी, सवर्ण उम्मीदवार को यहां से खड़ा कर दिया, सवर्ण खास करके भूमिहारों की संख्या में यहां ज्यादा है, वैसी स्थिति में कहीं कुछ मामला गड़बड़ा नहीं सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है लोगों। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।